हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि यूजीसी ने नेट एग्ज़ाम की अपडेट दी है, जिनमें उन्होंने बताया है कि यूजीसी का जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर से लेकर 11th ऑफ अक्टूबर तक आपका होगा। तो उसी अपडेट को हम ध्यान में रखते हुए ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 40 डेज ही रह गए हैं अपनी प्रेपरेशन को पूरा करने के लिए। तो जिसमें हमें क्या करना है, अपनी प्रेपरेशन एग्ज़ाम की ऐसे करनी है कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट प्लस जेआरएफ दोनों ही एग्ज़ाम हम क्रैक कर लें। तो हमें ऐसी प्रेपरेशन करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ट्रिक्स देखनी होंगी जिनसे हमारा जो फर्स्ट पेपर है जो जनरल स्टडीज़ का होता है वो हमारा हम सही ढंग से अटैम्प्ट कर पाएँ, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है वो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप और नोटिफिकेशन चाहते हैं, आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सीरीज़ कॉम्प्लीशन। मीन्स जो सीरीज़ कॉम्प्लीशन है, इसमें क्या है कि ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें है लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़। टुडे जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे उसमें है लेटर सीरीज़, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, लेटर सीरीज़ अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट सभी को आते हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। वो क्या है कि ए से लेकर जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट्स है ना, हमें ये याद करना है कि कितने नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। मींस अगर मैं आपको बोलूँ 14, तो आपका झट से आगे से जवाब आना चाहिए, आंसर आपका ये आना चाहिए एन, 14 पे एन आता है। या फिर हम बोले 18 पे आर आता है, तो आपको ऐसे ही जल्दी से जवाब देना है। तो अगर आप इन सभी को, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सभी को याद करना है कि कितने नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली, तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो इन जो इस पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे उन्हें भी बहुत अच्छी से और बिल्कुल सही अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट आता है वन लेटर सीरीज़, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने हमें कुछ लेटर्स दिए हैं, जहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें फर्स्ट लेटर दिया है ए सी ई जी, और आगे हमें एक फिलिंग दी ब्लैंक दी है जिसमें हमें क्या फिल करना है, हमारा आंसर फिल करना है। उसके बाद हमें लास्ट लेटर दिया है के। तो हमें अभी क्या देखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, हमें इस जगह पर कौन सा, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा लेटर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें याद करनी होंगी। ये चीज़ें याद करने के बाद हम अगर बात करें, फर्स्ट हमारे पास लेटर है ए, एक कहाँ पर आता है वन पे, तो वन में हम अगर टू प्लस करते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट सी, तो सी कहाँ पे आता है थ्री पे। मीन्स अगर हम वन में टू प्लस करें तो उसके बाद हमारे पास थ्री आता है। थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर है सी, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे सी आ गया, उसके बाद क्या करना है हमें, तीन के बाद हमें तीन में फिर से दो को ऐड कर देना है। इसमें क्या आ गया हमारे पास, फाइव आ गया, फाइव पे हमारे पास क्या है ई, इसके बाद हमें क्या करना है, फाइव में अगेन टू प्लस करना है, और इसके बाद हमारे पास कितना आंसर आया, सेवन, सेवन पे हमारे पास क्या है जी, और इसके बाद सेवन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन, नाइन में हमारे पास क्या है आई। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखनी है कि ऑप्शंस में आई एच जे और एम है, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अभी हम अगर नाइन में टू प्लस करें तो हमारे पास आ गया इलेवन, इलेवन पे हमारे पास क्या है के। तो अगर तो आपने ये चीज़ें याद कर ली तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो हमारे पास इसमें जी के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, आई। इसी तरह से हमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज़ दी हैं, ए बी डी
जी, और इसके बाद हमारी लास्ट जो है उसमें हमें दिया है पी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है ए, उसके बाद है बी, मीन्स 1 + 1 2। ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, 1 पे। तो ए 1 है, प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी। बी में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास डी आता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डी प्लस, डी के बाद हमें क्या करना है, डी, डी यहाँ पे आया, उसके बाद डी में हमें क्या प्लस करना है, यहाँ पे हमने 1 प्लस किया था, 2 प्लस किया, अगेन इसमें हमें 3 प्लस करना है। 3 प्लस करने के बाद हमारे पास आप देखेंगे कि डी 4 पे आता है, और जो हमने 3 प्लस किया है, 4 + 3 = 7, तो हमारे पास जी आया। तो जी में हमें ऐड करना है 4, तो जी आया है 7 पे, 7 + 4 = 11, तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ गया। 11 पे हमारे पास क्या आ गया, के, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में देखना है के कहीं पे है। उसके बाद हम इसे अगर आगे करना चाहते हैं तो हम इसे आगे भी करके देख सकते हैं, के प्लस 5, तो के प्लस 5, के हमारा कितने पे है, 11 पे, तो 5 हमारा कितने पे, 5 प्लस करेंगे उसमें तो हमारे पास कितना आ गया, 16, तो 16 पे क्या होता है, पी। तो ऐसे ही हमें इसे पूरा क्वेश्चन को करके देखना है, उसके बाद ही हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन क्या आ गई, के, जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है उसमें के, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा के आंसर दिया है उसी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या, कौन कौन से लेटर्स दिए हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें है बी, डी, जी, आई, एल एंड एन, उसके बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा हमें ये यहाँ पे पता करना है। तो उसके लिए हमने जो इसके पहला क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। अगर हम बी में, यहाँ पे हमें देखना है कि बी में हम कितना ऐड करते हैं, कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास जी आता है। तो हम बी में अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 4 पे क्या है, डी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब भी हमें देखना है कि डी में हम कौन सी वैल्यू ऐसी ऐड करें कि हमारे पास जी आए। तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 पे, तो 4 पर आता है डी, तो यहाँ पे हमें 3 ऐड करना है एंड हमारे पास 7 आ गया। 7 पे हमारे पास क्या आता है, जी। जी में आगे हमें फिर से देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि हमारे पास कितना आए, आई का नंबर आ जाए, आई किस वैल्यू पे आता है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो जी के बाद अगर हम यहाँ पे 4 ऐड करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हमने 4 ऐड किया, तो हमारे पास 7 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 11 पे क्या आता है, के आता है। तो ये तो है नहीं, इसमें है आई। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इसके बाद वाला जो आई में, हमें देखना है कि आई और एल में कितना डिफरेंस है। आप देखेंगे कि आई और एल में 3 का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है, हमने बी में यहाँ पे 2 प्लस किया था, उसके बाद डी में हमने 3 प्लस किया, यहाँ पे हमें क्या करना है, जी प्लस 2 कर देना है। 2 पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, जी प्लस 2, जी है 7 पे एंड 2 है 9, उसमें प्लस किया 2 तो हमारे पास क्या आ गया, 9, एंड 9 9 पे हमारे पास क्या आता है, आई, तो हमारी वैल्यू आ गई ना। उसके बाद हमें क्या करना है, आई प्लस, हमें फिर से देखना है कि इसमें क्या ऐड करेंगे हमें, तो हमारे पास एल आई, तो इसमें हम अगर 3 ऐड करते हैं, 9 + 3 = 12 आता है हमारे पास, तो 12 पे क्या आता है, L, इसमें हमें फिर से देखना है, L में हम अब कितना, क्या वैल्यू ऐड करेंगे कि हमारे पास N आए, तो L में हम ऐड करेंगे, फिर से 2 हमें ऐड करना है, और इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 14, तो 14 आ गई, 14 पे N आया। उसके बाद हमें N में क्या ऐड करना है, फिर से 3, यहाँ पे आपने देखा होगा पहले हमने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर से हमें 2 यहाँ पे ऐड किया, और लास्ट में हमें फिर से यहाँ पे 3 ही ऐड करना है। एंड में हमें 3 ऐड, हमने 3 ऐड किया, अगर हमने एंड में 3 ऐड किया, 14 + 3 = 17, तो हमारे पास 17 पे क्या आ गया, क्यू,
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, जिसमें है क्यू। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ए ई आई ओ, एंड लास्ट हमें क्या, लास्ट में क्या लेटर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम देखें, ए और ई में डिफरेंस थोड़ा सा कम है, ई और आई में भी ठीक है, लेकिन आई और ओ में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद क्या क्या लेटर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो उसमें आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, ए ई आई और ओ जो भी हमें यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, वोवल्स हैं। तो वोवल्स में हमारे पास पांच वोवल्स हैं, जिसमें है ए ई आई और यू। तो यहाँ पे हमारे पास चार वोवल्स हैं, जो पांचवा वोवल है वो हमारी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। इसके बाद स्प्लिट बाय हाफ मींस इसमें आपकी ए से लेकर एम तक अगर हम काउंट करें तो वन से लेकर 13 तक वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हमें इसे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, इसे उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है। M के नीचे N लिख देना है, L के नीचे O लिख देना है, आपको ऐसे ही करते जाना है। और उसके बाद आपको, अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की, इनके भी नंबर आपको, अगर आपने पिछली वाली क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया उसमें आपने नंबर्स याद कर लिए तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या इसमें है ए और जेड, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ए हमारा फर्स्ट लेटर है एंड जो जेड है वो हमारा लास्ट लेटर है। उसके बाद क्या है, बी और वाई, सी और एक्स, डी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमें कैसे फाइंड करना है, आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, ए से लेकर एम तक हमने यहाँ पे लिख दिया, एन से लेकर जेड तक हमें एन यहाँ पे हमें लिखना है, ना कि यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ए और जेड दिया है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट लेटर दो दिए गए हैं उसमें है ए और जेड, मीन्स ए और जेड, बी और वाई, बी और वाई। उसके बाद है सी और एक्स, सी और एक्स, डी के साथ क्या आएगा, ऑप्शंस में देखो आप, यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। तो यहाँ पे क्या है, डी के साथ डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू। ईजिली सॉल्व हो गया ना, अगर आप ऐसे ही इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करते गए तो आप इजीली अपना इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन देखें, एल ओ के पी जे क्यू आई के साथ क्या आएगा, अभी आई जो हमारे पास लेटर है उसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे है एल ओ, मीन्स यहाँ पे है एल और ओ। उसके बाद है के और पी, यहाँ पे आ गया के और पी, जे और क्यू, जे और क्यू, आई और आर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में है वी ओ आर और एस। तो आई के साथ यहाँ पे क्या था, आर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आर। तो आप भी ऐसे ही इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करते जाओ और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व और बिल्कुल सही ढंग से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपके साथ मैं आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद वो हमने किया था वन लेटर सीरीज, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कॉम्बाइंड टू लेटर सीरीज। इसमें हमें क्या करना है, ये है टू लेटर सीरीज एंड यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें कौन कौन से लेटर्स दिए गए हैं। मींस यहाँ पे दिया है ए एम बी एन सी ओ डी पी एफ और आर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस क्या दी गई हैं, हम सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ई क्यू जी आर एफ टी ई आर। अभी हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसमें देखना है कि
क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पकड़ कर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो, ए बी सी डी और यहाँ पे आएगा ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी और यहाँ पे छोड़ा है यहाँ पे इन्होंने एंड एफ। उसके बाद क्या है, एम एन ओ पी क्यू एंड आर, एम एन ओ पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पे हमें देखना है ई एंड क्यू, ई एंड क्यू दिया है हमें फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा ई एंड क्यू। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारी सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट दिया है ए ए सी ई ई आई जी ओ और लास्ट हमारा क्या आएगा, जहाँ पे कौन से दो लेटर्स आएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को और देखकर ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे है ए ए ई सी ई ई आई जी ओ एंड यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्या सॉरी क्या लेटर आएगा। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दोनों वोवल्स हैं, यहाँ पे एक वोवल है, फिर से दोनों वोवल्स हैं, फिर से एक वोवल है, तो यहाँ पे आएंगे तो दोनों वोवल्स ही। सेकंड हमें क्या फाइंड किया है यहाँ पे, यहाँ पे जो सेकंड लेटर है वो है ए वोवल है, यहाँ पे ई वोवल है, आई वोवल है और ओ वोवल है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो लेटर है वो वोवल नहीं है, वो कंसोनेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या एक चीज़ और पता चली कि जो सेकंड लेटर है वो तो वोवल ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट लेटर हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ए में अगर हमने अगर बोले हम ए प्लस टू, वन प्लस टू थ्री, तो थ्री पे हमारे पास क्या आ गया सी, ठीक है। उसके बाद सी प्लस टू मीन्स थ्री प्लस टू फाइव, तो हमारे पास ई आ गया। इसके आगे ई प्लस टू हमारे पास क्या आ गया, फाइव प्लस टू सेवन, तो सेवन पे हमारे पास क्या आ गया जी, जी प्लस टू सेवन प्लस टू नाइन, तो नाइन पे हमारे पास क्या आ गया आई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास जो जी के बाद क्या वैल्यू आएगी वो होगी आई, और जो सेकंड हमारे पास ए ई आई ओ चार वोवल्स हैं, जो पांचवा वोवल है वो है यू। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या क्या लेटर्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं। सी के जेड डी एल वाई एफ एन डब्ल्यू जी ओ वी, ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया है, ई एम एक्स ई एन वाई ई एन एक्स एंड इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सी के जेड डी एल वाई एफ एन डब्ल्यू जी ओ वी, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है वो है सी, नेक्स्ट में डी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या स्किप किया है उन्होंने ई, सी डी ई एफ और जी, यही सारे हैं। तो हमें यहाँ पे उन्होंने ई को स्किप किया है। उसके बाद इसी से तो हम आंसर को फाइंड नहीं कर सकते ना, इसके बाद हमें क्या देखना है, जो सेकंड लेटर दिया है उसमें क्या है, के एल एम नहीं दिया उन्होंने, स्किप किया है एम को, एन और ओ, ठीक है, के एल एम एन और ओ, यहाँ पे एम स्किप किया है। यहाँ पे हमें उन्होंने क्या दिया है, जेड वाई डब्ल्यू और वी, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिवर्स में स्टार्ट किया है, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, वी डब्ल्यू वाई
और जेड, तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्किप किया है, स्किप उन्होंने किया है एक्स को। तो हमें देखना है यहाँ पे जो तीनों चीज़ें स्किप की हैं वो कहीं हमारी ऑप्शन में है। जी हाँ है, ई एम और एक्स। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई एम और एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, सी बी ए, डी ई एफ, जी एच आई, आई एच जी। तो ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, जे के एल, डी एफ ई, एफ ई डी, आई जे के। तो इसमें हमें कैसे सही ऑप्शन को फाइंड करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन को, मैं जैसे हर क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद अगर आप सोचते हो, जो जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आप अपने माइंड में रखते हो तो आप इजीली आंसर को फाइंड कर देंगे, कर पाएंगे। तो यहाँ पे है ए बी सी, सी बी ए, डी ई एफ, जी एच आई, आई एच जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है ए बी और सी, दूसरे में हमारे पास उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने यहाँ पे दिया था ए बी और सी, उन्होंने उनका बैक से रिवर्स से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने दिया ए बी और सी, यहाँ पे है डी ई एफ, तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या आएगा। उसके बाद है जी एच और आई, आई जहाँ पे जी एच और आई है, जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई एफ है, तो यहाँ पे आएगा एफ ई और डी, यही चीज़ आएगी। तो ऑप्शन में भी ये चीज़ है एफ ई और डी, तो ये हमारी बिल्कुल सही ऑप्शन होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ दूंगी, उससे मेरा मतलब था कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रही हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसी इन्हीं सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इनमें से अगर हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस की बात करें वो तो आपने आप इजीली कर भी लोगे, अगर आपने पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है मे बी इनमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, तो उस डिफ़िकल्टी को हमें फेस ना करना पड़े तो इसके लिए हम ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करने बताऊंगी। तो उसके पहले हम ये वाले दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने की। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, तब भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। तो वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो इसमें हमारे पास क्या है, जे ए के बी एल, एल सी एम, एम डी एन, एंड लास्ट हमें फाइंड करना है इसमें क्या आएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं गाइस, ऑप्शंस में है ओ ई पी, एम ई एन, एन ई ओ, पी एफ क्यू। ऑप्शंस में देख, ऑप्शंस को देखने के बाद हमें फिर से एक बार क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है, जे ए के बी एल, एल सी एम, एम डी एन। तो यहाँ पे अगर आपने एक बात ध्यान से देखी हो, जो इस वाली जो जो तीन लेटर्स हैं उनका जो लास्ट थर्ड लेटर है वो नेक्स्ट वाले का फर्स्ट लेटर है, आपने सभी में देखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि जो एन यहाँ पे है इसका भी फर्स्ट एन ही होगा, तो एन वाली जो ऑप्शन है वो है बी। इसी से हम ये तो फाइन बोल नहीं सकते कि हमारा ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही होगी, हमें बिल्कुल ऐसा लॉजिक लगाना है कि जिससे हमें ये पता चले जो हमने ऑप्शन टिक की है ना वो 100% बिल्कुल सही की है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इसमें फर्स्ट लेटर दिया है वो है जे, जे के बाद क्या आता है के, एल, एम। तो एक बात हमें और पता चली कि यहाँ पे एन ही आएगा।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे है ए बी सी डी, और इसके बाद हमें पता चला यहाँ पे ई आएगा, के एल एम एन, तो यहाँ पे ओ आएगा। तो इसके इससे हम बोल सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है एन ई ओ वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई एल एफ टी जी एल एच टी आई एल जे टी एम एल एन टी। ऑप्शन हैं ओ एल पी टी के एल एम टी एल एल एम टी के एल एल टी। अब भी अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो एक बात आपको पता चली होगी कि सभी में, सभी ऑप्शंस में और क्वेश्चन में, सभी में हमारे पास सेकंड लेटर जो है वो एल है, लास्ट लेटर है वो है टी। ऑप्शंस में भी ऐसा ही है और इनमें भी ऐसा ही है। उसके बाद हमने इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखा कि यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कैसे हमें लेटर्स दिए हैं कि जिनसे हम सही आंसर फाइंड कर पाए, हमें ऐसी ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पे है ई एफ जी एच आई जे और यहाँ पे है एम और एन। तो हमारे पास क्या दो लेटर्स जो थे वो कौन से स्किप हुए, के और एम, ठीक है। हमारा फर्स्ट के होगा, थर्ड एल होगा। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा सेकंड हमारे पास अगेन एल आएगा एंड टी हमारा जो है वो लास्ट आएगा। तो ए यहाँ पे हुआ ई एफ जी एच आई जे के, उसके बाद एल आएगा, के बाद फिर से एल आएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एल दिया हुआ है। और अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास कैसे है, के बाद एल आता है तो थर्ड पे भी एल ही आएगा एंड लास्ट पे क्या है टी, तो टी आएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, के एल एल टी, तो ये हमारी बिल्कुल सही ऑप्शन हुई, ठीक है। इसके बाद है सी टू ए ई फाइव डी जी एट जी आई इलेवन जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने आपको बोला था थोड़ा सा अलग है जो हमने पहले किए उनसे, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान से, अगर आपने ऑप्शंस में देखा होगा ऑप्शन में सभी में 14 है और हमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर देखना है। फर्स्ट हमारे पास है सी, सी में हमें कितने प्लस करने पड़ेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ई आए। सी में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आता है, 5 पे क्या आता है ई। तो यहाँ पे हमने 5 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 7 आता है, 7 पे क्या आता है जी। 7 प्लस 2 किया तो 9 आया, 9 पे हमें हमारे पास आता है आई। 9 प्लस 2 किया तो 11, 11 पे के। तो हमें एक बात चली, पता चली कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा ना वो के होगा। उसके बाद हमें इन सभी चीज़ों को जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं ये भी हमें पता लगानी है कि ये कैसे आई। इन पे अगर हम ध्यान दें तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 8, इनमें 3-3 का डिफरेंस है। 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो वैल्यू उन्होंने दी है वो सभी में 14 दी हुई है। तो हमें एक बात और पता चली कि यहाँ पे आए की भी 14 ही, कि हम सही चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद है ए, ए में अभी हमें देखना है कि हम कितना क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास डी आए। अगर हम ए में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 4 पे क्या आता है डी। 4 में हम फिर से 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 प्लस 3 7, तो 7 पे हमारे पास आता है जी। 7 प्लस 3 10, तो 10 पे 13 पे हमारे पास क्या आता है एम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आया था हमारे पास के और लास्ट हमारे पास आएगा एम। तो बीच में तो हमारी हमें पता ही है कि वैल्यू क्या है 14। तो ये हमारी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है।
तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है C3E6G12I24K48। तो लास्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शंस दी हैं S48, L96, M96, O48। तो हमें यहाँ पे कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे है C और E, उसके बाद है G, I और K। यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि यहाँ पे एक एक लेटर उन्होंने स्किप किया है, C के बाद D को स्किप किया है E, F स्किप किया G, H स्किप किया I, J स्किप किया K और हम यहाँ पे L स्किप करेंगे। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चली, यहाँ पे M आएगा, लेकिन हम इसी से इस ऑप्शन को बिल्कुल सही नहीं बोल सकते। हमें ये जो इन्होंने पीछे इनके वैल्यूज़ दी हैं, हमें इन्हें भी देखना है कि ये ऑप्शन बिल्कुल, हमें वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिया है 3, 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 12 = 24, 24 + 24 = 48। तो यहाँ पे क्या आएगा, 48 + 48, यहाँ 48 + 48 96 होता है। तो यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं कि ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है, M 96। तो स्टूडेंट्स यही थी मेरी आज की जो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बतानी थी, मैंने वो मैंने आज आपको क्या करवाया, लेटर सीरीज। इसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप है वो है नंबर सीरीज। इस नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सीरीज के बारे में कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तब भी तक के लिए आपको क्या करना है, इन सभी ट्रिक्स को सीखना है और इन्हें क्वेश्चंस पे ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर कुछ आपको समझ ना लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या करें, वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख सकते हैं, तो आपको वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो स्टूडेंट्स यही थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।